हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो है हम SOSC स्कूल में जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम रिव्यू लेने वाले हैं बच्चों का और उसको एनालाइज करके मैं आप सभी को टॉपिक्स बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये जो एग्ज़ाम यहाँ पे AFPS का और PVA का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप सभी के लिए मैथ्स के साइंस के टॉपिक्स आपको पता चलेंगे, साथ साथ आपको जो है लेवल पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कहाँ से कवर करना है कहाँ से नहीं कवर करना है। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिए। अच्छा गया, गेट कैसा? सात छोड़े। कितने छोड़े? सात। और PVA में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? मतलब डोमेन में किस टाइप के क्वेश्चन थे? मैथ साइंस। PVA में मैथ साइंस, रीजनिंग, रीजनिंग थी, जनरल एबिलिटी थी। थैंक यू। एग्जाम का रिव्यू दो। ठीक है, मैंने आपके YouTube पे देखी थी, मैंने आपकी बहुत सारी YouTube पे वीडियोस देखी थी, उससे रिव्यू थी। मतलब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आए? मतलब कि इतना मुश्किल नहीं था, इजी था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। और डोमेन में किस टाइप से पूछता है वो? आई मीन साइंस में जो था, साइंस की इजी थी, बट मैथ्स में PVA में साइंस आई थी। जनरल साइंस, जनरल साइंस की मुश्किल, मैथ्स का थोड़ा बहुत डाउट था, बाकी मेरा सेट बी। PVA का एग्ज़ाम? नहीं, AFPS का एग्ज़ाम, तो क्लास 11। मेरा भी AFPS क्लास 11। जनरल साइंस किस तरीके से? जनरल साइंस इजी थी, पर कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब थे, मतलब जो सिलेबस थे। अच्छा, और मतलब क्लास 11 क्लास 10th के लेवल की पढ़ना इनफ है? हाँ, इनफ। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आप बता सकते हैं? मैथ्स में अलजेब्रा ज़्यादा था। ओके, और रीजनिंग में टॉपिक्स? रीजनिंग में टॉपिक्स पैटर्न्स वगैरह भी और नंबरिंग वाले थे, और जैसे जनरल क्वेश्चन हो गया AF, मतलब रिलेशन। थैंक यू। जानते हो आप मुझे? जानते हो? मैंने आप देखा अभी, आंटी से मेरी बातें हो रही थी। कौन सा क्लास कर रहा था? मेरा 11। AFPS? हाँ। फिर बता दो उसके बारे में कुछ। जनरल साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन थे? एसएसटी के थे? नहीं, एसएसटी के नहीं थे, साइंस में ज़्यादातर ना कार्य मैथ भी थी। कौन से टॉपिक ज़्यादा आए मैथ्स में? मैथ्स में पॉलीनोमियल वाले जो चैप्टर्स थे उसके ज़्यादा थे। और एडमिट कार्ड को साइन करवाइए आप। अच्छा, SST आती है? हाँ। किस टाइप के टॉपिक? ज़्यादातर मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती है। हिस्ट्री से नेशनल मूवमेंट आया था? नहीं, तो हमारे में सोशल साइंस का कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, जनरल साइंस। चेंज भी नहीं हो रहा था। थैंक यू। अच्छा, आपका नाम क्या है? धैर्य नाम है इनका। अच्छा, आपको कौन सा एग्जाम का? AFPS। तो मैथ्स के लिए कौन से टॉपिक सजेस्ट करोगे इस टाइम स्टूडेंट्स? आप जानते हो मुझे? यस मैम, आप यूट्यूब। मेरे को लग रहा था कोई नहीं जानता होगा। नहीं, मैंने आपकी देखी थी जब आपने बताया था ना कि ड्रेस कोड रिसेंट डाली थी, तो वही मेरे को समझ गया था मैं डालू क्या। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, उससे मेरे को समझ आया। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं यहाँ के?
टीचर्स अच्छे हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छे देख लिया और बहुत अच्छा है। कौन सा एग्जाम था आपका? AFPS का, ज़्यादातर AFPS के बच्चे आए थे इसमें। और मैथ्स में बताओ फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन वाले स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो फिगर तो आप जरूर करके जाना, इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल वाला चाहिए, और उसके अलावा आप कर सकते हो पॉलीनोमियल्स, इन सब के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्या नाम है आपका? काजल शर्मा। काजल शर्मा, थैंक यू काजल शर्मा। मैम कौन सी क्लास की हो आप? मैं अभी 10th क्लास की हूँ, मैंने AFPS के एग्ज़ाम दिया, मैं आपके चैनल से डेली करती थी। मैम आपने जो रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए थे ना, इतने ईजी थे, मेरे आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू। वेलकम। अब बस अच्छा रीजनिंग में फिर टॉपिक सजेस्ट कर दूँ मैम, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाला था और अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, इसके क्वेश्चन आए थे बहुत ईजी थे, और पैटर्न वाला एक ही क्वेश्चन था वो भी अच्छे से हो गया। और मैथ्स के लिए सजेस्ट करो? मैथ्स के वो ये सब अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। मैथ्स का भी ईजी था, बट कुछ क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग थे जो सोच समझ के करना, मतलब क्लास 10th के लेवल के आए थे। हाँ सही था, मतलब जो मतलब क्लास 8 के स्टूडेंट्स को और क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, मतलब जो करने वाले हैं उनको 10th के लेवल तक पढ़ना चाहिए, क्लास 9th के लिए जो कर रहे हैं उसको 8th के लेवल तक। हाँ उसको हो जाएगा। और ये जो आर गुप्ता की बुक थी उसको आपने ले रखी थी? नहीं मैंने नहीं ले रखा था, बट मैं आपके वीडियोस से पढ़ती थी, उसी से मेरा पूरा होगा। टेलीग्राम पे भी आप जो भी डालते थे मॉक टेस्ट वगैरह डेली करते थे, मुझे अच्छा लगा जान के। थैंक यू। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे AFPS में? 60 उसमें एक्चुअली। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताओ? नेगेटिव मार्किंग में 4 मार्क्स मिलने थे करेक्ट के लिए, और एक डिडक्ट होना था इनकरेक्ट के लिए, तो आपके जो जो इनकरेक्ट के लिए डिडक्ट होने थे वो टोटल 5 होने थे, तो इस हिसाब से मार्किंग स्कीम आई थी। जो मतलब पिछली बार रहा था वही पैटर्न अब की बार? हाँ पैटर्न सेम था। और इंग्लिश के लिए बता दो कॉम्प्रिहेंशन आया था, और ग्रामर किस टाइप के? ग्रामर में ज़्यादा मुश्किल लेवल थी था, और पैसेज भी इजी से थे, इतने मुश्किल नहीं थे, वो रीजनिंग बेस में ही थोड़े बहुत थे, उसके इतना मुश्किल नहीं था उसका लेवल। ओके थैंक यू। मार्क्स के ग्रामर ग्रामर आप कह लो ग्रामर सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। अच्छा ये बताना है ऑन टॉप। अच्छा ग्रामर ही कितने क्वेश्चंस थे? ग्रामर में सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे। कौन कौन से टॉपिक से थे? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपकी वोकैबुलरी चेक करी जाएगी, उस हिसाब से 2 क्वेश्चंस थे बस, इसमें था वो क्वेश्चन था उसमें। और कॉम्प्रिहेंशन था? हाँ। और कॉम्प्रिहेंशन एक कॉम्प्रिहेंशन था या दो? दो थे, और दोनों ही मतलब इतने ईजी से थे कि पहली बार में समझ आ जाएगा आपको। और कितने मार्क्स का होगा एक? आई थिंक क्वेश्चन कितने हो? क्वेश्चन उसमें 4 थे। 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा? हाँ। तो इस अकॉर्डिंग आप लगा लेना। और ऊपर फिर जब हमारा पेपर पूरा हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने ओमआर की शीट तो हमसे ले ली, उसके साथ हमारे क्वेश्चन पेपर भी दिए थे। तो यही मैं बताती हूँ, क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर वापस नहीं दिया जाता। और क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैक्सिमम 240 लिखे हुए थे स्कोर, कितने होने चाहिए। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स होंगे इसका मतलब? हाँ वही। और कट ऑफ की वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आके देख लेना। बता देखेंगे अपना इंटरव्यू, मम्मी को दिखाऊंगी सबसे पहले। तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमने जो रिव्यू लिया है बहुत सारे बच्चों को जल्दी थी अपने घर पे जाने की, क्योंकि वो 2-3 घंटों से बंधे हुए थे यहीं पर, और पेरेंट्स बता रहे थे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर, और अब जो है इनको मतलब कि फ्री हुए हैं। अब इस रिव्यू के अकॉर्डिंग जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, तो क्लास 10th के बच्चे जो स्टैम्प का देने वाले हैं वो क्लास 10th की NCERT बुक को कवर करेंगे और उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, और क्लास 8th के बच्चे जो अभी क्लास 9th का एग्ज़ाम देंगे स्टैम्प के लिए और AFPS के लिए, तो वो जान ले कि साइंस के टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी जर्नल, तो क्लास 8th के लेवल के AFPS के बच्चे तैयारी करेंगे और क्लास 8th की ही NCERT कवर करेंगे। ठीक है, तो अपनी साइंस की बुक और मैथ्स की बुक अच्छे से कर लेना, वही इनफ रहेगी आप सभी के लिए। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती थी आर गुप्ता की बुक बड़ी हाई लेवल की है तो उसको मत करना, और मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो उन वीडियोस को देखो, उन जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कवर करो।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वायरी हो मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, चाहे मुझे रात को देखना हो पर मैं देखकर आपका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ड्रेस कोड, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि ड्रेस कोड की वीडियो हमारी हेल्पफुल है, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी जो है ड्रेसिंग अपना सेंस उसी तरीके से अपना कर आएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है स्कूल में। और जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से रोल नंबर लगे रहते हैं, ये रोल नंबर लगे रहते हैं, यहाँ पे अपने रोल नंबर चेक करने होते हैं आपको। और रोल नंबर के वाइज आपका जो है ग्राउंड बता रखा होता है इन्होंने और रूम नंबर बता रखा होता है, उस अकॉर्डिंग आपको अंदर जाना होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो टीचर से आप जो है पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।